स्नीकर्स लिफ्ट यू बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। यार अगर आपने अच्छे जूते पहने हैं देन थ्रू आउट द डे आप कंफर्टेबल फील करोगे, पैरों पे आपका ध्यान कम जाएगा एंड आप अंदर से भी थोड़ा अच्छा फील करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि शूज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हे एवरीवन, माय नेम इज सोमन सत्पति, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोड स्टाइल। यस, आज की वीडियो है एवरीडे स्नीकर्स पर, जो कि मैंने मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रखा है जिन्हें मिक्स एंड मैच करना ईजी होता है। सारे स्नीकर्स गाइस 2000 रुपीज के अंदर है एंड मैंने किसी भी पैरामीटर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, सो दैट यू कैन चूज वाइजली। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वेल, जो सबसे बेस्ट एवरीडे स्नीकर्स होते हैं दे आर व्हाइट स्नीकर्स। एन नंबर ऑफ आउटफिट्स के साथ आप इसे पेयर कर सकते हो कैजुअली, ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और यार ट्रेंड्स चाहे जितना भी चेंज हो जाए, व्हाइट स्नीकर्स विल ऑलवेज बी द क्लासिक्स, वो हमेशा ट्रेंड में रहेंगे। इसमें मेनली दो टाइप के मटेरियल्स हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पहला है लेदर एंड दूसरा है कैनवस। तो अगर आप लेदर वाले व्हाइट स्नीकर्स लेने की सोच रहे हो, आई वुड सजेस्ट 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, 3000 के आसपास। उसमें आपको नाइकी कोर्ट रॉयल 2 मिल जाएगा, सेल वगैरह पे ये आपको 2500 में भी मिल जाएगा। एंड ज़्यादा डिटेल्स के लिए ये वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना। बट गाइस, अगर आपका बजट 2000 में भी लिमिटेड है देन उस रेंज में भी मैंने कमाल का व्हाइट स्नीकर ढूंढ के निकाला है। ये है HRX का व्हाइट फ्लाई स्नीकर्स विद अ नीटेड टेक्सटाइल टॉप जिसे आप इजीली वॉश कर सकते हो एंड रबर आउटसोल। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है, फिट अच्छा है एंड कंफर्टेबल भी है। देन पीछे की तरफ एक ब्लू कलर का एलिमेंट ऐड किया गया है व्हिच लुक्स प्रीटी गुड। गाइज, जो मटेरियल है वो लेदर से थोड़ा कम ड्यूरेबल है एंड आई थिंक अगर उन्होंने फुट बेड को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया होता देन बहुत ही अच्छा होता। मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है, इफ दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। 5-6 घंटे आप इसे आराम से पहन सकते हो, देन स्टिचिंग एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी एकदम ज़बरदस्त है। मैं इसे रेटिंग्स दूंगा 7/10। देन गाइस, कैनवस वाले जो मटेरियल होते हैं, मतलब कपड़े वाले जो स्नीकर्स होते हैं, उनमें सबसे बेस्ट होते हैं कॉनवर्स के चक टेलर्स। बट वो तो 2000 के अंदर मिलेंगे नहीं, तो इसका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है H&M के हाई टॉप ट्रेनर्स। यार अगर आपका बजट है देन गो फॉर कॉनवर्स, बट अगर आप बजट के अंदर कॉनवर्स जैसे शूज़ ढूंढ रहे हो डेफिनेटली कंसिडर दिस वन। हाई टॉप स्नीकर्स के कॉलेज में स्पेशली बहुत स्टाइलिश दिखते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज आप स्ट्रीट स्टाइल में भी कैरी कर सकते हो एंड कैजुअली तो ये अच्छा दिखेगा ही। देन इसका कम्फर्ट लेवल एंड फिटिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपका जो यूजुअल साइज है वही साइज लेना, बट यस, शू केयर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके गंदे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसे गाइस रेटिंग्स दूंगा 9/10 क्योंकि इट्स वर्थ इट। अब यार एवरीडे स्नीकर्स पे वीडियो है तो पूमा के जूते तो होंगे ही। तो थर्ड एवरीडे स्नीकर है पूमा का ब्लैक सॉलिड कैंट 2.0 स्नीकर्स। दो डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ किया गया है इसमें, एक है सिंथेटिक एंड दूसरा है लेदर। गाइस, इसका जो ओवरऑल शेप है इट्स अ बिट चंकी, मतलब आप इसे कैजुअल आउटफिट्स के अलावा अपने स्ट्रीट वेयर आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, इससे ऑल ब्लैक आउटफिट्स बना सकते हो। आपको अलग से ब्लैक चंकी स्नीकर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इसमें जो ब्रांडिंग की है वो भी काफ़ी मिनिमल है, फिटिंग एकदम परफेक्ट है एंड इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का है। आप इसे 6-7 घंटे इसमें आराम से निकाल सकते हो एंड स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो गाइस, मैं इन्हें रेटिंग्स दूंगा 9.5/10। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एवरीडे स्नीकर, इट्स ब्लैक मिड टॉप हुप लाइफ स्नीकर्स फ्रॉम HRX। ब्लैक एंड मरून कलर को कंबाइन किया गया है। गाइस, इसका जो ओवरऑल शेप है इट्स अ बिट लाइक एयर जॉर्डन्स एंड इसमें जो दो डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ किया गया है वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टो बॉक्स में स्वेड एंड लेदर का यूज़ किया गया है, पीछे की तरफ भी स्वेड यूज़ किया गया है। देन ब्रांडिंग भी काफ़ी मिनिमल है। गाइस, फिटिंग के मामले में इट्स ओके, बट कंफर्ट मैंने ऑनेस्टली थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था। 3-4 घंटे पहनने के लिए इट्स ओके, बट अगर आपको उससे ज़्यादा पहनना है देन आपको अलग से इंसोल यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली इस टाइप के जो स्नीकर्स होते हैं ये फॉल एंड विंटर सीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो थिक मटेरियल होता है वो अंदर हीट को अच्छे से मतलब ब्लॉक करके रखता है, तो ज़्यादा टाइम तक पैर आपके गर्म रहेंगे। इन्हें भी गाइस मैं रेटिंग्स दूंगा 7/10। लास्ट एवरीडे स्नीकर्स भी HRX ब्रांड से है, बट इट्स ए कलर ब्लॉक चंकी स्नीकर्स। इसे मैंने मेरे चंकी स्नीकर्स वाले वीडियो में दिखाया था। द रीज़न मैं इसे एक एवरीडे स्नीकर बोल रहा हूँ, पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है HRX ब्रांड के हिसाब से एंड दूसरा चीज़, इसका जो ओवरऑल शेप है वो सिर्फ स्ट्रीट वेयर के लिए नहीं है, इसे आप कैजुअल आउटफिट के साथ भी पेयर कर सकते हो, एथलीजर आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो जिम वगैरह पे एंड स्टिचिंग वगैरह भी इसमें एकदम सही है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। गाइज, इसे मैंने 2100 में लिया था, बट मिंट्रा के रीसेंट सेल में इसका प्राइस 1700 तक ड्रॉप हुआ था। तो अगर आपको कलर ब्लॉक स्नीकर्स लेने हैं, मैं यही बोलूंगा इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इट्स ए वेरी गुड वन एंड मैं इसे रेटिंग्स दूंगा 9/10। सो गाइज, दैट्स ऑल। सारे स्नीकर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।